आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक कंप्लीट बिगिनर्स मेकअप किट एंड उन प्रोडक्ट्स को यूज करके ये गॉर्जियस मेकअप ट्यूटोरियल जो कि बहुत ही इजी है एंड क्विकली आप लोग इसको अचीव भी कर सकते हो। इन सारे प्रोडक्ट्स की MRP के ऊपर भी आप लोगों को डिस्काउंट्स मिल जाएगी क्योंकि purple.com पे तो आई हेड ब्यूटी सेल चली रही है। अप टू 50% ऑफ है बायोटिक, हिमालया, देन मेबलिन, द फेस शॉप। इसके अलावा पर्पल के जो इन हाउस ब्रांड्स है लाइक NY बेस्ट, टेको की, डार्लिंग इजाबेला, एल्स गुड, बहुत सारे ब्रांड्स पे ढेर सारे ऑफर्स है, तो वेबसाइट चेक कर लीजिएगा। एंड वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उन प्रोडक्ट्स की परचेज लिंक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करनी हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल 24 की एक गोल्ड ऑयल। अगर आपको फेशियल ऑयल यूज़ नहीं करनी है तो फिर आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिएगा ताकि यू ना आपकी मेकअप फ्लॉलेस दिखाए एंड आपकी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी हो। मैं मैट फाउंडेशन अप्लाई करने वाली हूँ, दैट्स वाई मैंने फेशियल ऑयल यूज़ की है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ NY बे मेकअप प्राइमर। मैंने रिसेंटली जो पर्पल हॉल आप लोगों के साथ शेयर किया था तब मैंने ये प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाई थी और आप में से बहुत लोगों ने बोला था कि उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके कोई मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने के लिए, तो आज की वीडियो में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ना ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के फेस पे डिस्कलरेशन है, देन पिंपल मार्क्स है, डार्क सर्कल्स है, तो फिर आप लोगों को कलर करेक्शन की ज़रूरत है। अगर आप लोग ऐसे पैलेट्स परचेस करते हो तो फिर एक तो देखो किफ़ायती हो जाएगी, एट द सेम टाइम आपको अलग अलग से प्रोडक्ट्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ऑरेंज शेड है उसको मैंने मेरी अंडर आइज पर अप्लाई की है, जो ग्रीन शेड है उसको मैंने मेरी पिंपल मार्क्स के ऊपर अप्लाई करके ब्लेंड कर ली है। फाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन एंड इसमें मेरी शेड है डेजर्ट पेज। ये मीडियम टू फुल कवरेज प्रोवाइड करती है बट बहुत ज़्यादा मैट फाउंडेशन है, तो अगर आपकी ड्राई स्किन है देन इसको गलती से भी परचेज मत करना, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है ना देन डेफिनेटली आप इसको ट्राई करके देखो। अभी एक ब्रश लेके मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके पास ब्रश नहीं है, आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने वाले हो, तो फिर ध्यान से ब्यूटी ब्लेंडर वेट कर लीजिएगा एंड एक्सेस वाटर स्क्वीज आउट करके देन अप्लाई की आई मीन ब्लेंड कीजिएगा आपकी फाउंडेशन। सेम कंसीलर पैलेट में से मैं इस शेड को लेके मेरे अंडर आइज पे ब्रिज ऑफ माइनोस फोर हेड एंड जहाँ जहाँ मुझे कवरेज की ज़रूरत है वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी एंड सेम ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने टूल्स भी बहुत ही कम यूज़ की है। फाउंडेशन एंड कंसीलर सेट करने के लिए मैं यहाँ पे मिस क्लेयर ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ एंड एक तो देखो जो फाउंडेशन है वो ऑलरेडी मैट है, अगर मैं ऑल ओवर फेस पे पाउडर अप्लाई करती हूँ तो फिर मेरी फेस और भी ज़्यादा ड्राई दिखेगी, दैट्स वाई मैंने इसको सिर्फ मेरे अंडर आइज पे अप्लाई की है एंड ब्रश को मेरी फेस पे थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर ली है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर फेस पैलेट इन द शेड सटल समिट। इसमें से मैं कॉन्ट्रो शेड को लेके मेरी फेस पे फेस को कॉन्ट्रो कर लूँगी। अच्छा, ये वाली फोटो जो ना थोड़ी सी हेजी हो गई है, पता नहीं क्या हुआ था मेरे कैमरा को। देन मैं ब्लश अप्लाई कर लूंगी एंड लास्टली हाइलाइटर। आईब्रोज फिल करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड ब्राउ पोमेड इन द शेड ब्रूनेट एंड मैं पहले मेरे ब्राउज को आउटलाइन करूंगी एंड देन उसको फिल करूंगी। रिसेंटली मैंने ये प्रोडक्ट परचेस की है एंड जब से ये प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है ना मैं बस यही यूज़ कर रही हूँ ब्राउज फिल करने के लिए। बहुत पसंद आई, अफोर्डेबल भी है, आई थिंक 3 कलर्स में आती है। एंड विज आई शेडो पैलेट में यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड कलर आइकॉन आई शेडो पैलेट इन द शेड रोज़े इन द ईयर। सबसे पहले मैं इस लाइट शेड को लेकर ट्रांजिशन कलर की तरफ अप्लाई करूँगी। मैंने सिर्फ 3 आई शेडो कलर्स यूज़ की है एंड एक आई शेडो ब्रश यूज़ की है। अभी जो डार्क क्रैनबेरी शेड है ना उसको ऑल ओवर आईलिट पर अप्लाई कर लूँगी एंड अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं इस गोल्डन शिमर शेड को मेरे आईलिट की इनर पार्ट पर अप्लाई करूँगी एंड लोअर लैश लाइन के लिए मैं सेम ऑर्डर पे पहले उस लाइट शेड को अप्लाई करूँगी एंड देन क्रैनबेरी शेड अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी। आई मेकअप थोड़ी सी एजी एंड क्वर्की दिखाने के लिए मैंने ब्लू आईलाइनर अप्लाई की है जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप लोगों को ब्लू आईलाइनर अप्लाई नहीं करनी है या फिर अगर आपके पास नहीं है ब्लू आईलाइनर तो फिर आप नॉर्मल ब्लैक आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हो या तो आप आपके लिपस्टिक को भी आईलाइनर की तरह अप्लाई कर सकते हो। मैं थिनली अप्लाई करूँगी एंड एक स्मॉल विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। मस्कारा में यूज़ कर रही हूँ मेबलिन हाइपरकल मस्कारा एंड मैं मस्कारा थोड़ी सी ज़्यादा अप्लाई करूँगी क्योंकि मैं फॉल्स आईलैशेस अप्लाई नहीं करूँगी। मैं अच्छे से मेरे लैशेस को कोट करूँगी मस्कारा से। अच्छा, लिपस्टिक मैंने बहुत ही एक ब्यूटीफुल लाइट पिंक शेड चूज़ की है
ये है एनवाई बे लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड स्टैनफोर्ड्स फैशन। इसकी प्रॉब्लम बस एक ही है कि ये ना थोड़ी सी ड्राइंग है एंड कुछ टाइम के बाद लिप्स बहुत ज़्यादा क्रैक दिखने लगती हैं, तो आपको आपके लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करनी होगी लिप बाम से, अगर पॉसिबल हो तो स्क्रबिंग भी कर लीजिएगा। लास्टली मेकअप सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड ड्यूवी मेकअप सेटिंग स्प्रे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आपकी मेकअप फ्लॉलेस दिखानी है, लॉन्ग लास्टिंग बनानी है एंड थ्रू आउट द डे वो फ्लॉलेस अगर दिखानी है ना, तो फिर भाई सेटिंग स्प्रे यूज़ करनी ही है। तो ये रही मेरी फाइनल लुक एंड ये रही कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये जो लुक है बहुत ही यूनिवर्सल लुक है, आप इसको कुर्ती के साथ वेयर कर सकते हो, कोई भी ड्रेस के साथ जाएगी। एंड जब आई विल सी गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टेप स्टेप इट, बाय।